अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे, शादोबाद होंगे। अच्छा जी, आज की जो सबसे अहम बात यह है कि वीडियोस में जो है एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो है हमारी वॉइस क्लियर नहीं जा रही आप तक। मोबाइल का इशू है, माइक का इशू है, क्या इशू नहीं पता। अच्छा, वैसे हम माइक तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली माइक का इशू तो होगा नहीं, मोबाइल के माइक का इशू हो सकता है। तो कुछ लोगों ने हमें हमारी मिस्टेक्स बताई कि आपकी वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही वीडियोज़ में, ब्लॉग्स में। तो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करेंगे कि जो है हमारी वॉइस आप तक क्लियर पहुँचे। और जिन लोगों ने हमें हमारी गलतियाँ बताई हैं, उनके लिए जो है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ख्याल। असल में वो लोग जो है वही हमारे मोहसिन होते हैं जो हमें हमारी गलतियाँ बताते हैं, और जो है जो हमारी गलतियाँ नहीं बताते, तंज करते, तो आपको पता है वो लोग जो है किन लोगों में शुमार होते हैं। ठीक है जी, तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। घर से अभी 11:15 बजे का टाइम हो रहा है, अभी हम यहाँ से घर से बाहर जाएंगे किसी एक अहम काम से, उसके बाद फिर शॉप पहुँचेंगे। अब शॉप पहुँचने में कितना टाइम लगेगा नहीं पता, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन फिर जब शॉप पहुँचेंगे फिर शॉप से इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, जब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जी दोस्तों, तो शॉप आ चुके हैं और तकरीबन शॉप आए हुए जो मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, और इस वक्त तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। और जब मैं बाहर गया था, जैसे आपको बताया था मैंने कि ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ गया तो रास्ते में जाते हुए बाइक जो है थोड़ी सी जाम हो रही थी ना, तो समझ से बाहर होता कि बाइक के अंदर क्या मसला हो रहा है। तो बहुत जाम चल रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मसला हो रहा है उसके अंदर, लेकिन जब मैंने पार्किंग से बाइक को बाहर निकाला तो देखा कि व्हील जाम हो रहा है, उसके अंदर एक रस्सी जो है ना लिपटी हुई है, बाइक के अंदर एक रस्सी लगाई हुई थी एमरजेंसी किसी काम के लिए, तो वो रस्सी जो है बाइक के अंदर लिपटी हुई थी। अब मैंने देखा उसको, फिर मैंने बाहर निकाला, अभी पिक्चर भी लगा दूंगा वो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त मोबाइल तो मेरे पास था नहीं, मैं क्या शूट करता व्लॉग। तो फिर मैंने वो बाहर निकाला, मैंने कहा शुक्र वरना जो है एक्सीडेंट भी हो सकता था उसकी वजह से। खैर बहरहाल, फिर वहाँ से निकले और जो है फिर मैं शॉप पर आया, और शॉप पर आने के बाद खाना वगैरह खाया, क्योंकि बहुत हालत ख़राब थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। खाना वाना खाने के बाद फिर एज़ यूजुअल वही पठान की चाय बड़ी ज़बरदस्त, वो पी के जो है फ्रेश हो गए। अब बाकी रूटीन चलेगी और फिर इंशाल्लाह फिर आगे रूटीन आपसे शेयर करेंगे। और काम तो अभी भी काफ़ी फैला हुआ काम चल रहा है, तो फिर मिलते हैं, देखें आगे रूटीन में क्या होता है। ठीक है जी, ये तो असर का टाइम ख़त्म हो चुका, मगरिब का टाइम ख़त्म हो चुका, मोबाइल ना होने की वजह से ब्लॉग जो है छोटा बना रहे हैं। ठीक है, ये आबिद भाई हैं हमारे, बहुत ज़बरदस्त भाई हैं माशाल्लाह, अभी चाय पी रहे थे, अब समोसे वाला गुजर रहा था, इन्होंने कहा समोसे ले लो, अभी सबको समोसे खिला रहे हैं। और ये समोसे वाले भाई जो ना बहुत पुराने हैं हमारे, अभी समोसे खिलाएंगे भजन। मैंने आपको कहा था कि छोटे बनाते हैं समोसे, बहुत बड़ा बना रहे हैं आजकल आप। हाँ, लेकिन ये कह रहे थे जायका वापसी आ जाएगा, जायका जो जल्दी वापसी आ जाएगा। अब देखें, भाई ने तो कहा है कि जायका वापसी आ जाएगा, अब हम लोग खाएंगे, ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे। यहाँ पे फुल शुक्ल मेला लगा हुआ है, यहाँ पे भी पार्टी चल रही है, काम वाम तो है नहीं, सिर्फ पार्टी हो रही है, कारोबार वारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मार्केटें रह गई हैं बातें करने के लिए, 3 वहाँ पर बैठे हुए हैं, 2-3 यहाँ बैठे हुए हैं, वो चाय पी रहे हैं, वो समोसे खा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। अब मार्केटों में ये हो रहा है। अब आप बताएं कि आपके शहर में जो है क्या कंडीशन है कारोबार की, इसी तरह बातें हो रही हैं, कारोबार हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमारी भी चाय आ गई, और जो चाय हमें पिला रहा है ना, जो चाय पिला पिला के चरसी बना रहा है, वो ये उल्टी सीधी चाय पिला रहा है, पाउडर मिला मिला के। इसको इतनी बार समझाया है कि पाउडर नहीं मिलाया करो, लेकिन ये पाउडर मिला मिला के चाय बना रहा है। सर, इन्हीं सब बातों के अंदर जो ना हमारी भी चाय आ गई है, और ये शख्स जो पीछे खड़ा हुआ है ना, जब इस बंदी की चाय आती है तो ये सारे काम वाम छोड़ के और हमारे पीछे लग जाता है चाय पीने के लिए। अब आ गई हमारी चाय, और अब ये हमें कह रहे हैं कि काम करो, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई कोई काम वाम नहीं होगा, पहले चाय पी जाएगी, समोसे खाए जाएंगे, उसके बाद काम होगा। भाई जब इनकी चाय आती है ये सारे काम, ये बंदा यकीन करो सुबह आता है देर से, जल्दी जाता है, या तो चाय का बहाना ढूंढता है या तो किसी काम का बहाना ढूंढ के मैं इधर उधर जाता हूँ। आप निकाल दो ना भाई, ये गलत कर रहे हैं आप लोग, कमेंट्स करें, काम इस तरह होता है यार, आप बसते जो मुझे टाइम दिया है उस टाइम को। जी 10:05 हो रहे हैं, दुकान बंद करने का टाइम है, और एक डिपार्ट जो है बंद हो चुका है कम्प्लीट, और चौरा डिपार्ट भी बंद हो रहा है। ईदू जल्दी जल्दी दुकान बंद कर रहा है, इसको फटाफट जाना है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, और मैं भी बंद करूँगा बस, ये लास्ट शॉट रिकॉर्ड करके। कस्टमर ख़त्म हो चुके हैं और सभी भाई आएंगे बस, वो भी नमाज़ पढ़ने गए हैं, उनको हमेशा नमाज़ एंड में याद रहती है।
अच्छा, आप लोगों से एक बात ये कहनी थी कि आप लोग मुझे गलतियाँ बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कोई बिल्डिंग जब बनती है तो धुआं भी निकलता है, मिट्टी भी उड़ती है, और जो है ना बहुत सारे मामला होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन जब वो तैयार हो जाती है तो बहुत फिनिश अच्छी लगती है, सबको अच्छी लग रही होती है। इसी तरह जो है अभी नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, जो भी आपको साउंड के इफेक्ट्स आए, वीडियो की क्वालिटी के कोई मसले, जो भी जिस तरह का भी मसला हमें मुझे गाइड करते रहेगा, तो इंशाल्लाह उसको एक एक करके जो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन जो है अच्छी ब्लॉगिंग भी करेंगे और अच्छी आउटिंग भी करेंगे, और जो है साथ साथ जो है और भी चीज़ें करेंगे, इंशाल्लाह इंक्लूड करते जाएंगे। तो बस आप लोगों का जो है प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों में, बहन भाई में, रिश्तेदारों में, सब जगह चैनल फैला दें। इंशाल्लाह ये फैमिली चैनल होगा, इसको जो है बच्चे भी देख सकेंगे, बड़े भी देख सकेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। फिर अहसन खान को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगबान।